अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कंसल्ट दिस साइट एंड बाय सीडीबी प्रॉपर्टीज के यूट्यूब चैनल से मैं दानियाल नासिर, उम्मीद आप सब खैर ऑफिस होंगे। व्यूअर्स, आज की मेरी वीडियो सफारी होम्स के हवाले से, जो कि बहरिया ऑर्चर्ड फेज 4 के G6 ब्लॉक में हमें बना के दी जा रहे हैं क्यूलिंग्स प्राइवेट लिमिटेड डेवलपर की तरफ से। यहाँ पर व्यूअर्स आपको तकरीबन ये 3.5 से 4 साल पहले डील ऑफर की गई थी 60 लाख में 3 ईयर्स के पेमेंट प्लान के मुताबिक। आज की डेट में इसकी क्या सूरत हाल है, कितने घर बन चुके हुए हैं, कब इसका पोजेशन दिया जा रहा है, आज की डेट में आप इसको किस प्राइस में खरीद सकते हैं। जैसा कि आप मेरी बैक साइड पे देख सकते हैं, ये सारे घर आपको जो नजर आ रहे हैं ग्रे स्ट्रक्चर में अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुके हुए हैं। फिर आपको ये जो मैदान नजर आ रहा है, ये एक पार्क है जो बहरे की मैनेजमेंट इसको बनाएगी, प्रॉपर कंप्लीट करेगी। और अगर आप यहाँ पे कोई फेसिंग पार्क घर बाय करना चाहते हैं या फिर कॉर्नर कैटेगरी का बाय करना चाहते हैं, उसकी जो प्राइस है वो बाकी जनरल कैटेगरी के जो घर हैं उसकी निस्बत थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो इसलिए फिर यहाँ पर जो आपको ग्रे स्ट्रक्चर में नजर आ रहे हैं घर, इनकी प्राइस ग्रे स्ट्रक्चर के हिसाब से कंडीशन वाइज, मतलब कि यहाँ पर लोकेशन प्लस कंडीशन और कंस्ट्रक्शन स्टेटस और जो लोकेशन, इसके हिसाब से यहाँ पे आपको ऑन डिमांड किया जा रहा होता है। अगर यहाँ पे कोई जनरल कैटेगरी का घर है और उसकी कंस्ट्रक्शन अभी इनिशियल स्टेज पे है, तो उसका ऑन मिनिमम वेट यहाँ पे तकरीबन कोई 10 लाख रुपए है। 10 लाख से लेकर मैक्सिमम यहाँ पे वेट्स आपको तकरीबन 20 से 22 लाख ऑन डिमांड किया जा रहा है, लोकेशन वाइज और कंस्ट्रक्शन वाइज है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिसकी इनिशियल स्टेज पे कंस्ट्रक्शन है उसका ऑन तकरीबन 10 से 12 लाख है, और जो कंप्लीट हो चुका हुआ है जैसे कि ग्रे स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं ये राइट साइड पे या मेरी बैक साइड पे, इनका ऑन तकरीबन अगर हम बात करें फेसिंग पार्क घर की, तो तकरीबन वो 20 से 22 लाख के करीब आपको डिमांड ऑन देखने को मिलता है। तो इस डील में अगर आपका कोई यूनिट है उसका स्टेटस जानना चाह रहे हैं, उसकी असेसमेंट लेना चाह रहे हैं, अगर आप यहाँ पर कोई बाइंग करना चाह रहे हैं, तो आपको मेरा स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा होगा, इट्स +92333115283। आपके टाइम के बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह किसी और न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत दोबारा होंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।